तो भाई लोग मलयालम इंडस्ट्री 2024 के अंदर 2050 की मूवीज रिलीज कर रही है। इनको कोई समझाओ कि प्रेजेंट में मूवी बनाओ, फ्यूचर में नहीं। मंजूमेल बॉयज के बाद मैंने ठान लिया था मलयालम मूवी अगर आई तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे, तो मैं गया अदुवे जीवितम मूवी देखने या फिर गोट लाइफ। अब इसका बजट 80 करोड़ रुपए, लेकिन भाई इन लोगों के पास सबटाइटल्स के पैसे नहीं थे। पूरी मूवी मलयालम में, मूवी में सबटाइटल्स ही नहीं थे। भला हो बाजू वाले का जिसने समझाया मुझे कि आपका बहुत बड़ा कट चुका है। मैं गया थिएटर से पूछने के लिए, थिएटर वाले ने बोला कल आना मस्त नहा धोके। मूवी हिंदी में फ्राइडे से अवेलेबल हो जाएगी, मैंने थर्सडे को देख ली। 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या ये मूवी आपके टाइप की है या फिर आप इस मूवी के टाइप के नहीं हो। अगर आप हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी जिसमें रेगिस्तान पूरा भर भर के दिखाए, ड्यून पार्ट 2, या फिर पुरानी बुक ऑफ एली, इनकी सिनेमेटोग्राफी देखकर सोचते थे कि भाई इंडिया कब ऐसी मूवी बनाएगा, तो भाई बन चुकी। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी मैं बता रहा हूँ 25 साल फ्यूचर की है। मूवी के फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा बिल्डअप है, मूवी धीरे स्लो चलती है, उसके बारे में नेगेटिव में बात करेंगे। लेकिन भाई हीरो हीरोइन का पानी के अंदर रोमांस में एक सॉन्ग आता है, उसकी सिनेमेटोग्राफी देखो क्या खूबसूरती थी भाई। इन शॉर्ट बहुत कुछ दिखाया मूवी के अंदर। 3 घंटे लंबी मूवी है। सेकंड हाफ के अंदर तो आपको लगा कि मैं रेगिस्तान में ही हूँ, अब इनको सर्वाइवल करना है। एक वो स्नेक वाला सीन आता है रेगिस्तान के अंदर, क्या भाई डरावना था वो। डरावने से याद आया सेकंड पॉइंट मूवी का, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट हाफ से लेके एंड तक पृथ्वीराज सर का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप। बॉडी मूवमेंट की स्टाइल धीरे धीरे चेंज हो रही है, आवाज चेंज हो रही है, और जो बच्चे बदतर हालत होती जाती है धीरे धीरे करके, वो देख के आपको इतनी दया आती है, अंदर से चिल्लाने का मन करता है कि बस भाई बस। अब पृथ्वीराज सुकुमारन एस नजीब और इसका दोस्त, ये दोनों के साथ स्कैम हो चुका है। काम की लालच में सऊदी गए और वहां पर स्लेव बन गए। फर्स्ट हाफ के अंदर इनकी स्लेवरी दिखाई है, सेकंड हाफ के अंदर ये लोग जब भाग निकलते हैं तब सर्वाइवल शुरू होता है, जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि यार सर्वाइवल सेकंड हाफ के भी सेकंड हाफ के अंदर है। लेकिन मूवी इतनी लंबी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि किसी चीज की कमी हुई। इसी पर से आते हैं वार्निंग। भाई मूवी सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सर्वाइवल मूवीज के बहुत बड़े फैन हो, आपको हॉलीवुड की वो एकदम रेगिस्तान में अकेला बंदा घूम रहा है, कुछ कोई होप्स ही नहीं है, वैसी टाइप की मूवीज पसंद है, तो आपके लिए देखने के लायक है। और जिनको मूवी में एंटरटेनमेंट बाद में, पहले एक्सपीरियंस लेना पसंद है, परफॉर्मेंस देख के या फिर सिनेमेटोग्राफी देख के, जो टेक्निकलिटी समझते हैं मूवीज के अंदर, उनके लिए मूवी है। एंटरटेनमेंट सोच के अगर आप गए मूवी देखने, तो आप सर पकड़ लोगे अपना, भाई जल्दी करो खत्म करो इसको। सेकंड हाफ के अंदर रेगिस्तान में जिस तरह से लोग चलते ही जा रहे, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, एकदम मतलब होपलेस हो चुके हैं, उसी तरह मैं भी धीरे धीरे होपलेस हो रहा था कि भाई मूवी का एंड होगा कैसे, ये मर जाएंगे क्या। लेकिन एंड के 15 मिनट में जो ट्विस्ट लाया है वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है भाई, मेरे दिमाग में छप गई मूवी। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वार्निंग ध्यान रखना, मूवी स्लो जरूर है लेकिन स्लो पॉइजन है। 80 करोड़ में जिस लेवल के ट्रांजिशंस दिखाया मूवी के अंदर, मेरे को तो लगता है भाई ये मलयालम इंडस्ट्री के बाद है ना कुछ अलग ही कैमरा है, और ये लोग वो कैमरा बॉलीवुड या दूसरे इंडस्ट्री को नहीं दे रहे। मजाक साइड में रखते हैं, लेकिन मलयालम इंडस्ट्री सरप्राइज पे सरप्राइज, शॉक पे शॉक देते जा रही है हर महीने। वो भी मूवी का म्यूजिक AR रहमान सर ने दिया है, तो आंखों के साथ कानों को भी सुकून मिलता है। लेकिन मूवी स्लो है बहुत ज्यादा। बाकी सल्यूट है पृथ्वीराज सर को, आपके वो नजीब कैरेक्टर की जर्नी अभी तक दिमाग में घूम रही है। मैं इस मूवी को इजी 8/10 देना चाहूंगा। मूवी के अंदर गोर ब्रूटल वायलेंट सीन्स है, और सेकंड हाफ में जब बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो बैक साइड से पृथ्वीराज सर का न्यूड सीन है। जल्द ही आपके स्क्रीन पर गॉडजिला एक्स कॉन्ग और द क्रू मूवी का रिव्यू होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।